हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AGVSR। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आइसोबार। आइसोबार क्या होता है ये जानने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल AGV को सब्सक्राइब करें। देखो, आइसोबार और आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोप्स में डिफरेंस पूछे जाते हैं। अगर आप आइसोटोप्स के बारे में जानना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। लेट्स स्टार्ट। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार एटम के वो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। मीनिंग क्या है कि जब आप आइसोटोप्स पढ़ोगे तो आइसोटोप का अपोजिट ही क्या होता है? आइसोबार होता है, ठीक है। क्या है आइसोबार? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। देखो, जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें तो एटम्स के सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है इसमें, जो आइसोटोप्स है उसमें तो एटम के सेम एलिमेंट लेते हैं हम, ठीक है। बट जो आइसोबार होते हैं यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास, एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको इसकी डेफिनेशन करवाऊँ। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। आपको ध्यान रखना है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो देखो, इसमें एग्जाम्पल मैं करवाऊँ, जैसे आर्गन पोटासियम कैल्शियम। आर्गन पोटासियम कैल्शियम क्या है? आइसोबार है। क्यों है ये आइसोबार? जो ये पोटासियम 40K19 है, ये एक पोटासियम का ही क्या है? एक आइसोटोप है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्गन पोटासियम और कैल्शियम ये तीनों आइसोबार हैं। क्यों है? क्योंकि इन तीनों का जो एटॉमिक मास है वो सेम है और एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो, जो फर्स्ट हमारा एटम है आर्गन, इसमें क्या है, इसका एटॉमिक मास है 40 और एटॉमिक नंबर है 18। जो ऊपर है ये है एटॉमिक मास और जो नीचे है ये होता है एटॉमिक नंबर, ओके। ऐसे ही पोटासियम जो है उसमें 40 इसका एटॉमिक मास है और 19 एटॉमिक नंबर है। कैल्शियम में 40 एटॉमिक मास और 20 एटॉमिक नंबर है। तो अब हम डेफिनेशन पे ध्यान देंगे कि एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास। देखो, अब क्या यहाँ पे एटॉमिक मास सेम है तीनों एलिमेंट्स का? तो आर्गन का भी 40 है और पोटासियम का भी एटॉमिक मास 40 और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40। मतलब क्या है कि फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉलो हो गई है, बट जो सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब हम ध्यान देंगे एटॉमिक नंबर पे। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। देखो, इनसे हमें देखने पता चल रहा है कि जो ये एटम्स के एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट है, एक आर्गन, एक पोटासियम, एक कैल्शियम, ये डिफरेंट है, तो इनका एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। सो आर्गन पोटासियम कैल्शियम हैविंग सेम एटॉमिक मास इज जो 40 है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर जो क्या है 18 है, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड आइसोबार, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे, ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या वो सेम सेम प्रेजेंट होते हैं आइसोबार में, ठीक है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन डिफरेंट एलिमेंट। देखो, जो आर्गन पोटासियम कैल्शियम एटम है इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्गन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, पोटासियम में इलेक्ट्रॉन की नंबर अलग होगा और कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल से बजाऊं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आर्गन, जो आर्गन एटम है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में समझना चाहते हो डिटेल में तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। सेकंड में क्या है, जो पोटासियम है इसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें प्रोटॉन भी 19 है और इलेक्ट्रॉन भी 19 है, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, 20 है, ठीक है। तो क्या आया, देखो, आर्गन में इलेक्ट्रॉन 18, पोटासियम में 19 और कैल्शियम में क्या है 20, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तीनों एटम में, ओके। तो
देखो, अब हम जैसे आइसोटोप्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बेस पेयर्स की डेफिनेशन, तो हम आइसोबार की भी हम ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि क्या होता है आइसोबार में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है डिफरेंट एलिमेंट के. ओके, हम क्या बोल सकते हैं, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, जैसे कि अब मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगी कि जो हमने आइसोबार लिया है हार्गन पोटासियम और कैल्शियम, इनमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ओके, देखो आर्गन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है. क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 18 था. ओके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के. क्यों? क्योंकि क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं, जिसके कारण जो एटम है वो न्यूट्रल बन जाता है. ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 18, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 22. क्योंकि जो हमारा 40 होता है ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर होता है, और जब हम न्यूट्रॉन की वैल्यू को निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मास नंबर माइनस उसका एटॉमिक नंबर. ओके, तो 40 में से 18 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकलेंगे इसके, 22. देखो यहाँ पे जो पोटाशियम है इसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू आई है 19. ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो जो हमारा यहाँ पे क्या है, मास नंबर है, इसमें से हम माइनस कर देंगे इसके एटॉमिक नंबर को, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला ही क्या होता था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. ओके, तो 40 माइनस 19 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 21. सेम ऐसे ही हम कैल्शियम में देखेंगे, एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 40 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 20. ओके, तो अब इसमें देखो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या सेम है डिफरेंट एलिमेंट के. तो देखो आर्गन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 18 है. ओके, बट पोटासियम में तो 19 है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और कैल्शियम में जो कैल्शियम है उसमें कितने हैं, 20. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट है इन डिफरेंट एलिमेंट. ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो आर्गन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 है, पोटासियम में 21 है, और कैल्शियम में 20 है. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आइसोबार होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट एलिमेंट. ओके, तो ये कंक्लूजन हमें मिल गया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से. ठीक है, तो इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या बनेंगे आइसोबार के, जो हमें यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं तीनों में इनकी वैल्यू डिफरेंट है. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, आइसोबार हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो ये आइसोबार है आर्गन पोटासियम कैल्शियम, इनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट है. ऐसे हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट है. आइसोबार हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके डिफरेंट है. ओके, इन आइसोबार नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर डिफरेंट, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, क्योंकि आर्गन में 18 है ये प्रोटॉन, पोटासियम में 19 है, और कैल्शियम में 20 है. देखो तीनों की वैल्यू डिफरेंट है डिफरेंट एलिमेंट की. ओके, ऐसे ही न्यूट्रॉन की वैल्यू आर्गन की 22 है, पोटासियम की 21 है, और कैल्शियम की 20 है, तो ये भी डिफरेंट है. तो क्या है, जो आइसोबार होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ओके, तो देखो हम आप दोनों वीडियो को देखना, आइसोटोप और आइसोबार वाली वीडियो को. ठीक है, तो देखो इसमें क्या डिफरेंस बनेगा दोनों में, आइसोटोप्स और आइसोबार में. ये बहुत बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार. ओके, तो देखो क्या होता था, जो आइसोटोप होते थे इसमें तो सेम एलिमेंट होते थे एटम के, आइसोबार में क्या होता है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट. ओके, तो देखो क्या बनेगा इसका, फर्स्ट पॉइंट, आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. ओके, बट जो आइसोबार होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, डिफरेंट होता है. ठीक है, मीनिंग है कि जो आइसोटोप की हम
जो भी पॉइंट पढ़ेंगे उसका अपोजिट होता है आइसोबार में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, आइसोटोप्स में होते हैं एटॉमिक नंबर सेम, और आइसोबार में होता है डिफरेंट, ओके। सेकंड पॉइंट में क्या है, आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो अब आइसोटोप्स में एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जो हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है, बट आइसोबार में क्या होता है, सेम एटॉमिक मास, ओके। थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी। जो आइसोटोप्स होते हैं उन सभी आइसोटोप्स की क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हमने पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े थे, जो तीन थे इसके, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम, ये हमने क्या पढ़े थे, इसके आइसोटोप थे हाइड्रोजन के, तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ओके। बट जो हमने अभी अभी आइसोबार पढ़ा है, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम, उन सभी तीनों की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ओके। केमिकल एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है तीनों, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम होंगे, ठीक है। बट जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, जो आइसोबार्स हैं, उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट होते, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ओके। तो एक हम इसका एग्जाम्पल डालेंगे, आप इसमें एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो, आइसोटोप्स में क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स ऑफ एटम, ठीक है, इसमें क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम, ओके। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा, देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर, और सेकंड आइसोटोप जो इसमें भी इसका 8 है, ठीक है। सेकंड में क्या था, जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, देखो फर्स्ट वाला जो ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास 16 है और इसका एटॉमिक मास 18 है, ठीक है। तो ये होता है आइसोटोप। ऐसे ही आइसोबार में हमने क्या पढ़ा है, जिसका एटॉमिक मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ठीक है। एटॉमिक मास ऊपर वाला होता है, देखो दोनों का, कार्बन और नाइट्रोजन दो ये आइसोबार हैं, इन दोनों का क्या है, एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। फर्स्ट कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7 है, तो ये एग्जाम्पल होगा हमारा आइसोबार का, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया है, ये है इनके डिफरेंस आइसोटोप्स और आइसोबार में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।